इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 के तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कप्तान कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। आरसीबी की ओर से ब्रेंडन मैक्यूलम ने 43 रनों की पारी खेली, तो वही कप्तान कोहली ने 31 और डिविलियर्स ने 44 रनों की शानदार पारी खेली। केकेआर की तरफ से विनय कुमार और नीतीश राणा ने 2-2 विकेट झटके। 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नए कप्तान कार्तिक की टीम ने 7 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। केकेआर की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा सुनील नारायण ने 50 रनों की पारी खेली, तो कप्तान कार्तिक ने 35 और नीतीश राणा ने 34 रनों का योगदान दिया। आरसीबी की ओर से सबसे ज्यादा विकेट क्रिस वोक्स ने लिए, उन्होंने 3 विकेट झटके। सुनील नारायण को उनके शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।